तो क्योंकि मेरा बर्थडे है तो शौमिक ने बोला कि आज कुछ भी मत बन। तो मुझे बहुत सारा गिफ्ट मिला। Hi friends, welcome back. As a title से तो आप सबको पता चल ही गया होगा and I know many of you will be wishing me, so thank you everyone. Like मेरा birthday हो and मैं आप सबके साथ share ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता, because you all are such an important part of my life. आप सबसे मुझे कितना सारा प्यार मिला है। तो सुबह सुबह definitely आप लोग समझ गए होंगे कि मैं विलेज के पार्क में आई हूँ रैक्स को लेके। एंड ऐसे भी बोलते हैं ना, सुबह पे ना ऐसा शांत जगह पे आओ तो यू विल गेट ना लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं ये पार्क का भी बहुत बड़ा हाथ है, यू नो, टू कीप मी फ्रेश, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांत है। एंड आज का मौसम एक्चुअली मौसम के लिए परफेक्ट है दिस पार्क। तो मैं अकेले आने वाली थी, फिर शौमिक भी आ गए, बिकॉज शौमिक ने आज छुट्टी लिया है क्या, ऐसा ऐसा बोलते रहे। एंड यहाँ पे है हम लोगों का रेक्सू बाबा, जो सोच रहा है मम्मी जल्दी घर चलो, खाना दो खाना दो। तो चलिए घर चलते हैं एंड फिर मैं आप सबसे बात करूंगी। Now the time is 8:30, हाँ 8:30 हुआ है। एंड शौमिक ने कल मेरे लिए ही गॉट दिस सरप्राइज फ्लावर्स। फिर यहाँ पे है कार्ड जो राय एंड शौमिक ने दिया है। सर राय सिर्फ नहीं बोलेंगे, राय एंड रेक्स एंड शौमिक ने दिया है। एंड व्हाट आर ऑल दिस? ओके, केक पॉप्स, कुकीज। अच्छा क्या, मैंने शौमिक को बोला प्लीज डोंट गेट मी बिग बिग केक मत लाओ, क्योंकि ऐसा ही राय का बर्थडे गया ना, इतना सारा केक था। इज देयर केक आल्सो? फिर मैक्रोन। हमें ना बहुत बुरा लगता है कुछ भी अच्छा लाइक कुछ भी हम लोग खाते हैं ना, स्पेशली सम स्पेशल सेलिब्रेशन, रेक्स हर वक्त देखता रहेगा कि क्या खा रहे हैं। नहीं ऐसा वो लोग का आदत है ना, वो दे वांट टू ईट एवरीथिंग जो नीचे में गिरा हुआ है। एंड वो ना ऐसा सोचता रहेगा क्या खाए क्या खाए, बट डेफिनेटली डॉग्स को तो अब स्वीट एंड ऑल बिल्कुल। तो हम लोग ना जो भी लाइक जो भी उसके लिए हानिकारक है ना कभी भी नहीं देते। तो मैं राय को बोलूँ मैं थोड़ा व्हीप क्रीम बना के देती हूँ, बिकॉज डॉग्स को इट सीम्स व्हीप क्रीम दे सकते हैं। सो क्योंकि मेरा बर्थडे है तो शौमिक ने बोला है कि आज कुछ भी मत बनाओ। तो ब्रेकफास्ट भी आ रहा है क्या? हाँ, तो शौमिक मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी ला रहे हैं। चलो ये होता है छुट्टी, बिकॉज मुझे लगता है हम लोग होम मेकर लोग हर वक्त खाना बनाते ही रहते हैं। एंड इस पैंडमिक में मुझे लगता है कितना सारा सिर्फ खाना ही खाना मिले। रहा बर्थडे ब्रेकफास्ट, ऑमलेट एंड एटा का जाने की बोला होम फ्राइज विथ कैनबेरी जूस। तो इतना सारा ऑमलेट है एंड राय ने ना बहुत अच्छा आइडिया दिया है। राय इज लाइक मम्मी तुम वो मैं करी बनाती हूँ ना ऑमलेट के साथ, राय इज लाइक मम्मी तुम एक करी बनाती हो ना एक करी ऑमलेट के साथ, ये सबसे ना वो करी बना दो, विच इज अ वेरी नाइस आइडिया, यू नो। एंड वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट लाइक स्पेशली ना दिस ऑल शॉप्स आर वेरी फेमस फॉर डाइनर्स होते हैं ना, वहाँ पे ब्रेकफास्ट लाइक दिस इज कॉमन जो वहाँ पे मिलता है। तो वहाँ पे ना बहुत ऐसा एजेड लोग ना खाने जाते हैं, फॉर देट ना ये सब में ना लाइक ऑमलेट में भी ना बहुत कम ऑयल से वो लोग बनाते हैं, देन सॉल्ट तो वो लोग देते ही नहीं है। तो देखा जाए तो इट्स क्वाइट हेल्दी। एंड इसमें क्या है, मुझे लगता है इसमें टमाटर, फिर थोड़ा बेल पेपर्स एंड अनियन है। तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, फिर कल मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं जाके नहा लूंगी, शौमिक बोल रहे नहा लो, इट सीम्स उसके बाद कहीं पे लेके जाएंगे। तो वाई मैं नहाने से क्या होगा यार, मैं ऐसा कुछ है क्या, मैं नहीं नहाऊंगी तो आई कैन गो? यस साहब।
एंड हाँ, सबसे पहले मैं ही तैयार हो गई हूँ. हर बर्थडे पे ना मैं ऐसा एक ड्रेस खरीदती हूँ, पर अभी ना लास्ट ईयर मैंने ऑनलाइन खरीदा था. ऑनलाइन में ना यू देखेंगे, आई डोंट नो, आई एम नॉट, मुझे ना ऑनलाइन की मैं इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, स्पेशली विद दिस ड्रेस एंड ऑल. एंड और मौका ही नहीं मिला. एंड अगर मैं मॉल में भी जाऊँ ना तो वैसा यू नो चेंजिंग रूम में जाके यू नो ड्रेस पहनना, आई एम लिटिल बिट, मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है. लाइक जैसे कि हम लोग बहुत डरपोक है, तो मुझे लगा छोड़ो. एंड फिर तब मैंने ये साड़ी ऑर्डर कर दिया था. ये साड़ी ना मैंने बहुत ही, मैं बोलती हूँ ना इम्पल्सिव, कभी हम लोग बाइंग करते हैं ना वैसा ही मैंने खरीदा था. ऐसा नहीं था कि आई वॉज प्लानिंग फॉर माई बर्थडे एंड ऑल, तब तो पता भी नहीं था कि इतना जल्दी आ जाएगा. बट या दिस साड़ी इज रियली कम्फर्टेबल. एंड कोई मुझे कमेंट पर लिख रहा था विच इज ट्रू कि पायल ये साड़ी तुम्हारे रेड साड़ी का आर्टी है, जो सही बात है. क्योंकि सी द लाइक द बॉर्डर जो है रेड साड़ी में भी ऐसा ही था. हाँ, अंदर का जो प्रिंट है ना, दिस इज डिफरेंट एंड द मटेरियल इज द सेम. तो मैं बोलूंगी मसाबा का अगर आप एक दो साड़ी लेना, एक ही साड़ी ले तो हो जाएगा, बिकॉज द रिमेनिंग साड़ीज आर ऑलमोस्ट द सेम. एक चीज ओनली अच्छा है, दैट इज इसमें यू नो प्लीट्स किया हुआ है, दैट इज द बेस्ट थिंग. तो साड़ी बहुत जल्दी आप पहन सकते हैं. देखते हैं क्या करेंगे अभी शॉमिक विट. मुझे ऐसा खड़ी रह के बात करती हो तो मुझे लगता है मैं लीडर हूँ. तो देखते हैं क्या करेंगे अभी. शॉमिक मुझे बोल रहे थे चलो पायल तुमको बाहर लेके जाएंगे. आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, लाइक गॉड से ना मुझे लगता है हर वक्त हम लोगों को बहुत थैंकफुल रहना चाहिए. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, यू नो जो है जैसा है मैं उतने में खुश हूँ. मुझे सिर्फ चाहिए कि हाँ सब कोई मेरे सराउंडिंग्स में ना एवरीवन लाइक माई डियर एंड लव्ड वन ना सब लोग अच्छे रहे एंड सब लोग हैप्पी रहे, यू नो टेंशन फ्री लाइफ रहे, जो आई थिंक सो अभी के सिचुएशन में हम सबको ही चाहिए. तो सब लोग बहुत मेहनत कर रहे. कैन आई डू इट? यस please. Alright, it is easy. Oh, no, no, nobody has done anything. Nobody has done anything. तो मेरा सिर्फ 2 साल हुआ है, ओके? हाँ डेफिनेटली एक क्या भी मैं कैसे करके आप सबको खिलाऊं, अगर हो सकता तो मैं सबको खिलाती, पर ये पीस आप लोग सब लोग मिल बांट के खा लीजिए. एंड थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव टू मी. आप सबसे मुझे सच्ची बात बताऊं, मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला है, बहुत सारा चीज ऐसा हुआ है ना विच यू ऑल हैव हेल्प्ड मी ए A lot, you know, like मैं अगर अपने आप को देखूं तो मुझे लगता है पर्सनली यू नो हर ईयर मैं बोलूंगी मैंने ग्रो किया है टू बिकम मोर स्ट्रांग. एंड इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहिए. एंड जो लोग मेरे बड़े हैं मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मेरा फैमिली हैप्पी रहे एंड मैं भी हेल्दी रहूं. हेल्दी मतलब ऐसे में ऐसे में नहीं, अंदर से फैलते रहो. एंड हाँ, आप लोग मत सोचिएगा कि पायल तुमको क्या क्या गिफ्ट मिला. तो मुझे बहुत सारा गिफ्ट मिला. इसमें क्या है? इसमें है धोखा. इसमें भी है धोखा. तो अभी शॉमिक बोल रहे कहीं पे लेके जाएंगे एंड मैं साड़ी चेंज कर लेती हूँ बिकॉज आई फील वेरी अनइजी. पता नहीं कुछ है यू नो, पहले आई वॉज लाइक पहले मैं साड़ी पहन के बहुत बिंदास थी. पहले मतलब इन 2003 मैं तो यूनिवर्सल स्टूडियो के मैंने राइड भी किया है साड़ी पहन के. मैं चेंज करके आती हूँ एंड थैंक यू शॉमिक सो मच मुझे ये सब सरप्राइज देने के लिए. और हाँ, वो धोखा वाला गिफ्ट भी देने के लिए. नहीं मैं तुम साइड में बोलते रहो. देखो कैसे हर साल मैं साइड में बढ़ती रहूं, ऐसा मत बोलो. अभी क्या करूं, मैं तो ऐसी हूं पानी भी पियो तो भी साइड में ही बढ़ जाती हूं. चलिए मैं भी साड़ी चेंज करके आती हूं जल्दी. ड्रेस चेंज
चेंज कर लिया है एंड आज राय का कैलकुलेटर आ गया. रिमेम्बर मैं बोल रही थी एंड कोई मुझे बोल रहा था इट सीम्स शो द कैलकुलेटर मां इट सीम्स ये कैलकुलेटर इंडिया में 12,000 रुपीज है. यहाँ पे इट इज हाउ मच 100 या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है. ओपन इट एंड शो ना. पहली बार काश हम लोगों के टाइम में ये कैलकुलेटर होता ना. चौमिक कौन यूज करता. हाँ मैं तो जरूर यूज करती. लाइक राय के स्कूल में जैसे कि राय के क्लास में सबको खरीदने का जरूरत नहीं है. जो लोग सिर्फ एलजेब्रा में है वो लोग को खरीदने का है. लाइक अभी वो लोग को चाहिए इस साल बट आई थिंक सो नेक्स्ट ईयर लाइक व्हेन यू गो टू हाई स्कूल यू हैव टू गेट इट. तो फिर से आज हम लोग एडिसन जा रहे हैं एंड होपफुली आज सभी शॉप्स ओपन ही होंगे. वही मैं शौमिक को बोल रही थी क्या जरूरत है पर पता नहीं शौमिक को इस बार एडिसन पे एडिसन से मुझे कुछ खरीद के देना है. एंड जब हम लोग जा ही रहे हैं ना क्योंकि गणेश चतुर्थी भी आ रहा है एंड मोस्ट ऑफ यू नो कि गणेश चतुर्थी तो मैं हम लोग करते हैं ना. तो लास्ट ईयर मेनी ऑफ यू टोल्ड मी कि पायल अखंड ज्योत एक खरीद लेना. मैंने अमेजन पे देखा था एंड लकीली मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था कि वो ना बहुत ही छोटा था. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खरीद भी लूंगी एंड मेनी ऑफ यू नो नो लाइक मेरा आसन भी मैंने ओक ट्री रोड से खरीदा था. पूजा हट वो लाइक वहां पे ना आपको सब कुछ मिल जाएगा एंड टाइम मिलेगा. तो मैं सोच रही हूँ ना राय के लिए मैं एक उसको जो पहनना है यू नो जो भी उसको चाहिए पूजा के लिए मैं एक खरीद लूंगी. अभी भी वो बोल रही है वो येलो कलर का ही पहनेगी. तो फाइनली आप पहुंच गए एंड आज सब कुछ ओपन है. उस रोज वही मैं और शौमिक सोच रहे थे ना पैंडेमिक में एक शॉप बंद होगा दो सारा लाइक फुल कैसे फुल मार्केट बंद हो जाएगा. तो यहाँ पे ना येल्लो चिली बोल के एक रेस्टोरेंट है वो संजीव कपूर का एक बार हम लोगों ने खाया था वो काफी अच्छा है. तो मुझे लगा कि चलो यहाँ से लेते तो इट्स क्लोज्ड. शायद हम लोगों को ऐसे ऑनलाइन में ऑर्डर देना पड़ेगा. मैं देखती हूँ नीचे जाके. हम लोग का खरीदना खत्म है अभी यू नो वो तो बंद था. तो हम लोग चौपाटी पे आए हैं खाने के लिए बस उसके बाद चले जाएंगे जल्दी जल्दी करके. तो जब तक खाना आ रहा है ना मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा मिठाई खरीद के लेती हूँ. बहुत दिन हो गया हम लोगों ने कुछ भी मिठाई है ना अच्छा नहीं खरीदा. फाइनली हम लोग का खत्म है ना अभी हम लोग जा रहे हैं एंड राय ने कुछ भी नहीं खरीदा एंड टाइम भी नहीं हुआ एक्चुअली शौमिक को ना 6 o'clock लाइक 5:30 से उनको काम में लाइक काम में फिर क्या बोलूं मैं काम में फिर घुसना है. मैं वही बोलूंगी काम में फिर घुसना है कंप्यूटर के अंदर घुसना है. एंड आने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग गया था बिकॉज अभी ना बहुत ट्रैफिक है. लाइक समर टाइम है ना एवरी वन एंड तो स्कूल भी ओपन हो जाएगा ना द 2-3 weeks न्यूयॉर्क में तो एवरी वन इज रोमिंग. तो इसके लिए ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक था. तो जो भी हो पर पूजा हट से मैं दौड़ के गई ना जो चाहिए था मैंने ले लिया है. ऐसा डे केयर तो बहुत ही अच्छा है एंड रियली इट इज हेल्पफुल पर एक ही प्रॉब्लम है कि रेक्स जब आता है कैसा आता है माँ नुंगरा इतना गंदा हो जाता है ना. एंड यू नो डॉगीज को तो अब नहीं डेली डेली यू कैन गिव देम में बात एंड ऑल. जैसे कि अभी मैंने शौमिक को बोला है कि ऐसे उसको ग्रूमिंग भी कराना है तो टेक एन अपॉइंटमेंट ग्रूमिंग कराने के लिए लाइक शावर ग्रूमिंग सब करके देंगे. तो इतना गंदा हो जाता है ना. फिर मैं और राय ना हम लोग दोनों ड्राई शैम्पू लेते हैं वी जस्ट क्लीन अप फिर उसका लेग्स एंड ऑल सब क्लीन अप करते हैं. Look, that's white.
तो अभी का मिशन है रेक्स को साफ करना, इतना गंदा होके आया है ना, इट सीम्स वो लोग लाइक बाहर ना लेर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, मामा गेट रेडी वी हैव टू मेक हिम क्लीन। तो मैं नहा के आ गई एंड हाँ अभी मैं ऊपर जा रही हूँ लाइक भगवान के वहां पे मैं थोड़ा आरती भी दे लाइक वो क्या बोलते थोड़ा दिया भी जला लूंगी। एंड हाँ मुझे फ्री का सामान हर वक्त पसंद हो, एंड हाँ अगर चांदी का सिक्का हो तो फ्री का तो सभी को पसंद होता है, तो हम लोगों को एक फ्री में चांदी का सिक्का मिला एंड से यहाँ पे कितना अच्छा गणेश जी एंड लक्ष्मी जी का लाइक पिक्चर किया हुआ है। हाँ या गणेश एंड लक्ष्मी जी है। मैंने ना एक घट खरीदा है, वो ब्रासो का घट से ना मैं बोर हो गई थी, तो मुझे लगा इस बार गणेश पूजा पे ना मैं भगवान के वहां पे हम लोग घट बैठाते हैं ना, तो मुझे लगा कि नहीं मैं इस तरीके का घट बिठाऊंगी। सी ये काफी सुंदर है। एंड फिर मैं बोल रही थी ना अखंड ज्योत, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सबने मुझे बहुत बोला पायल खरीदो, तो काफी अच्छा मुझे मिला। सी ये बहुत बड़ा भी है एंड दिस वन वॉज $20 इन 1999, मतलब $20 ही, पर सी ये बहुत बड़ा है। मैं जैसे बोल रही थी ना सी अभी लाइक भगवान के रूम को अच्छी तरीके से प्ले पिन से ना हम लोगों ने पूरा ऐसा बॉर्डर टाइप कर दिया है, बिकॉज नहीं तो ना अभी जैसे वो ऊपर जाता है नीचे जाता है ना तो एक टेंशन लगा रहेगा ना, वो लोग को क्या पता यू नो कहीं कुछ ऐसा ये कर लिया तो। एंड जैसे कि अब ना ही इज ऑल्सो एडजस्टेड ना, उसको पता है हाँ कौन सा जगह पे जाना है कौन सा जगह पे नहीं जाना है, लाइक यहाँ पे आता है ना वो फुल यहाँ पे सब पे खेलता है पर वहाँ पे अभी कभी भी नहीं जाता है। तो मैंने ना ऑर्डर किया चौपाटी पे, तो वो लोग को तो खाना आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे लगा चलो बगल में ही तो है ना मैं थोड़ा मिठाई खरीद के लेके जाऊं। सो आई गॉट दिस वन, ये तो काजू कतली है, ये मैं भगवान को चढ़ाऊंगी। फिर ये राय को बहुत पसंद है चॉकलेट बर्फी। ये रहा घेवर, कितनों को घेवर पसंद है कमेंट पे लिखना। फिर दिस इज पापड़ी, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। एंड ये तो ऐसा ही आलू का है। एक्चुअली वो लोग के यहाँ पे जो घेवर रखा हुआ था ना उसके ऊपर में ना ऐसा यू नो खोया एंड ऑल दिया हुआ था, फिर ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल दिया हुआ था, शायद वो ऐसे दिखाने के लिए डिस्प्ले के लिए था, मुझे तो ऐसा ही प्लेन मिला। फिर हम लोग थोड़ा बिरयानी खरीद के लाए, वहाँ पे एक शॉप पे बहुत अच्छा बिरयानी मिलता है, आई थिंक सो दो चिकन है और एक मटन है एंड दिस इज चिकन 65। एंड फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म एंड चाय पी के अभी बहुत फ्रेश लग रहा है, तो खाने का तो कोई टेंशन है नहीं। मैं ना चौमिक को बोल रही थी कि छोड़ो और यू नो खा लिया ना चौपाटी में हो गया, और यहाँ का ना खाना एवरीवेयर इज द सेम, ऐसा भी कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ अगर न्यूयॉर्क पे जाए ना, जैसे कि जब हम लोग जुनून गए थे, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट, आपको खा के अच्छा लगेगा ना, बैठ के आपको खा के मजा आएगा। तो ही वॉज लाइक चौमिक वॉज लाइक नहीं नहीं फिर तुम खाना बनाओगे क्या, मैं बोल रही थी अरे सिद्धोबाद बना लेंगे, तो इज लाइक नहीं नहीं बर्थडे के दिन कौन सिद्धोबाद खाता है, हम लोग पैराडाइज बिरयानी से ले लेंगे, बस खत्म। एंड हाँ मुझे शौमिक ने बर्थडे पे क्या दिया है, मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, मुझे इतना गेसिंग पसंद नहीं है क्योंकि हम लोग एडिसन गए थे, बिकॉज एडिसन पे ना बहुत सारे इंडियन ज्वेलरी शॉप है एंड शौमिक को ना इतना ज़्यादा अमेरिकन ज्वेलरी पसंद नहीं है, तो पहले ना हम लोगों ने वी वेंट टू मालाबार गोल्ड, एक्चुअली बैंगलोर मालाबार गोल्ड से ना लाइक ये मेरा रिंग जो है ना दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मालाबार गोल्ड, ये जो रिंग है ना ये दिस इज फ्रॉम मालाबार गोल्ड, फिर मेरे पास सेट है दैट इज फ्रॉम मालाबार गोल्ड, पर मालाबार गोल्ड के ना कई कई ज्वेलरीज मुझे इतने पसंद नहीं है क्योंकि मेरा जो सेट है ना एक्चुअली वो थोड़ा टूट भी गया एंड यहाँ पे मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर उसके ऑपोजिट पे ना सोना ज्वेलर्स था, बिकॉज मेनी ऑफ यू लिव इन एडिसन ना, आप लोग मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, तो वहां पे गए तो वहां पे ना ह्यूज कलेक्शन है, बहुत खूबसूरत कलेक्शन था, पर द सेल्स पर्सन वो बोला अरे सब तुम सब अरे खूबसूरत है सबसे खूबसूरत लो, तो मैंने बोला फ्री में थोड़ा ही ना दे रहे हो, जो भी हो तो हम लोगों ने देखा एंड ऑल। फिर
मैंने लाइक यू नो बजट पे ही लिया तो नाउ द टाइम इज 6:30 और 6:30 के 7 बजने वाला है. एंड फिर राय ना इस उंगली में ना वो ऐसा एक स्टील का कुछ रिंग पहनती थी. तो शॉमिक वाज लाइक राय यहाँ पे तो एक्चुअली इंडियन ज्वेलरीज तो थोड़े सस्ते होते हैं ना, तो एंड रिंग तो बहुत थोड़ा सस्ता ही होता है अगर ऐसा पतला रिंग लेंगे तो. तो शॉमिक वाज लाइक राय तुम एक रिंग ले लो. तो दिखा वहां तो बहुत ही सुंदर मिला है. जो रिंग है ना ये अराउंड $200 लिया. तो चलिए मेरा जो गिफ्ट है वो मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी, बिकॉज मुझे और सीढ़ी उतरने का मन नहीं कर रहा है. उतरना फिर उतरना तो ये सब का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. और पर हाँ मैंने जैसे वो शामी भी मुझे बोल रहे थे एंड वो इन सेल्स पर्सन दे तो विल टेल यू ओनली ना आप सेट लीजिए तो इट्स तो मैंने उनको बोला देखो अभी कहाँ पे मैं जाऊँ सेट पहन के, विच इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. एंड जो भी बोले साड़ी वाड़ी पहन के मास्क पहनो तो और कुछ भी आप लगाओ कुछ कोई फायदा नहीं. एंड कहाँ पे जाएंगे, मे बी वन टाइम हम लोग एक बार दुर्गा पूजा पे जाएंगे लाइक एक ही रोज जाएंगे, वो भी देखना पड़ेगा बिकॉज राइज इन 8th grade. यू नो मैंने जो लिया है ना मैं अच्छे तरीके से मैं घर में भी पूजा हो या ऐसे ही मैं पहन पाऊंगी. तो पूरा मत मानना मैं नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी. एक्चुअली मैं आके ना मैं नीचे लेके चली गई. एंड हाँ थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी सो मेनी विशेस. अभी पता नहीं कितने लोग आप लोग मानेंगे कि नहीं, बट यू ऑल आर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. मैं सबके लाइफ के बारे में नहीं बोलूंगी, मैं अपने लाइफ के बारे में बोलूंगी. एंड आप लोग जो मेरे लिए इतना प्यार कर, यू नो द लव दैट यू शो मी आर टच वुड हर वक्त ऐसा ही रहना चाहिए. तो चलिए वीडियो खत्म होने से पहले फिर मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए. एंड किसका आज बर्थडे है कमेंट पे जरूर लिखना. तो हैप्पी बर्थडे जिसका आज बर्थडे है. एंड या विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड. बहुत मस्ती कीजिए वीकेंड में. एंड मैं आप सबसे मिलूंगी मंडे विद ए न्यू वीडियो को एक लाइक. एंड हाँ बाय बाय.